दोस्तों ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने राजस्थान के भौतिक विभाग के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंद्रा की पहाड़ियाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर है सेकावटी प्रदेश, हाड़ोती पट्टार, दक्षिण अरावली, माई बेसानी, जिसमें से अपना ऑप्शन होगा हाड़ोती पट्टार, ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें से मुकुंद्रा की पहाड़ी स्थित है हाड़ोती पट्टार में। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? जिसमें से अपना आंसर है कांटल, बाकर, गिरवा, मेवल, जिसमें से मेवल को डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवल को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और थर्ड क्वेश्चन है अपना, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिण भाग में और पश्चिम भाग में? तो इसमें अपना आंसर होगा दोस्तों दक्षिणी भाग में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक दोस्तों, और चौथे क्वेश्चन है अपना, 56 का मैदान राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में स्थित है? तो कोटा बारा बी ऑप्शन है, जालौर पाली, जैसलमेर बाड़मेर और बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो अपना आंसर है बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है दोस्तों, राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तानी है? राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तानी है? लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग आधा और लगभग 2/3। तो इसमें अपना आंसर है दोस्तों लगभग 2/3 भाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान के हैं? लगभग 2/3। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाड़ोती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है? अपना आंसर है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पूर्वी। तो दोस्तों अपना आंसर होगा दक्षिण पूर्वी भाग, जो हाड़ोती के पठार में राजस्थान का क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है दक्षिण पूर्वी में। ठीक है दोस्तों, 7 क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 9, 14, 11, 12। अपना आंसर होगा डी 12। और 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? क्वेश्चन नंबर 8 है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान, 2 है राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश, 3 है राजस्थान पंजाब, 4 है राजस्थान पंजाब गुजरात व हरियाणा। तो अपना आंसर होगा दोस्तों डी, जिसमें से राजस्थान पंजाब गुजरात व हरियाणा। ठीक है दोस्तों, और 9th क्वेश्चन है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? आंसर नंबर 1 1750 मी, 1722 मी, 1724 मी और 1780 मी। तो अपना आंसर होगा दोस्तों 1722 मी भी आंसर है। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है, जिस दिशा में अरावली सेनों की चौड़ाई बढ़ती हैं वह हैं? आंसर नंबर 1 है
क्वेश्चन नंबर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और पूर्व से पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और पश्चिम से पूर्व, तो इसमें अपना आंसर होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और आंसर नंबर ए। ठीक है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है गोकुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है बोरोड का पठार, लसाड़िया का पठार, मेवाड़ का पठार और ऊपरमाल का पठार, तो अपना है बोरोड का पठार। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों ए, आंसर नंबर है क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें आंसर नंबर है 1, ए है बोरोड का पठार। 12वां क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है गिरवा, उड़िया, त्रिकूट, बोरोड का पठार, इसमें से अपना आंसर है उड़िया भी आंसर है। 13वां क्वेश्चन है अरावली की कुबड़ पट्टी कहा जाता है, अरावली की कुबड़ पट्टियां कहा जाता है, तो भरतपुर, अलवर, नागौर, अजमेर, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा व डूंगरपुर, इसमें से अपना आंसर है नागौर और अजमेर को। ठीक है दोस्तों, नागौर और अजमेर को अरावली की कुबड़ पट्टियां कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 14वां क्वेश्चन है सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा किस नाम से जाना जाता है, सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, भाकर, मालखेत की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ, गिरवा, इसमें आंसर है दोस्तों मालखेत की पहाड़ियाँ बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15वां है राजस्थान, क्वेश्चन नंबर है 15 दोस्तों, राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान है, राज्य के डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान है डूंगरपुर, उदयपुर में, नागौर, जोधपुर में, झालावाड़, कोटा में, चित्तौड़, भीलवाड़ा में, आंसर है अपना झालावाड़, कोटा में, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है इसमें अपने दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, आगे से आगे वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों सभी का।